नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राकेश और आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल जिसका नाम है डायबिटीज़ फूड ज्ञान। काफ़ी लोगों ने मुझे मैसेज किया था, मैंने एक्चुअली सोयाबीन के ऊपर दो वीडियो बनाई थी, लेकिन लोगों ने कहा कि सर डेली अगर हम सोयाबीन की रोटी खाते हैं तो धीरे धीरे हम लोग बोर हो जाते हैं, तो एक बार आप वीडियो बनाइए जिसमें सोयाबीन का आटा 50% हो और गेहूँ का आटा 50% हो, इस टाइप से आप इसको वीडियो बनाइएगा। तो मैं आज यही लेके आया हूँ। दो मैंने रोटी ली है जो है आई थिंक 69 ग्राम के आसपास, आप देख सकते हैं 69 ग्राम के आसपास दो रोटी है जिसमें 50% सोयाबीन है और 50% गेहूं का आटा है, और साथ में मैंने एक मीडियम साइज़ का मैंने प्याज लिया है, देख लीजिए मीडियम साइज़ का प्याज ले लिया है, क्योंकि क्या है कि खाने में प्याज होता है तो उसमें टेस्टी होता है। और मैंने ले लिया है पत्ता गोभी की सब्ज़ी, इसमें मटर भी है, और मैंने ले लिया है लहसुन की चटनी। राजस्थान वाले लोग लहसुन की चटनी काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं, और अभी ठंडियाँ धीरे धीरे चालू हो गई है तो लोग उसको ज़्यादा पसंद करते हैं। तो खाने से पहले मैं अपनी शुगर टेस्ट कर लेता हूँ। ये शुगर रहेगी मेरी, रहेगी रैंडम ब्लड शुगर। मैं ग्लासेमिक इंडेक्स और ग्लासेमिक लोड की मैं बात नहीं करूँगा, क्योंकि आपने काफ़ी सारी मेरी वीडियो देखी है तो आपको पता ही होगा कि गेहूँ का आटे का जो ग्लासेमिक इंडेक्स, ग्लासेमिक लोड जो क्या होता है वो आपको पता ही होगा, और सोयाबीन से कभी शुगर अपनी बढ़ती नहीं है, इसलिए मैं आपको कोई चीज़ ज़्यादा मैं बताऊंगा नहीं। तो अभी मैं अपनी शुगर चेक कर लेता हूँ। ये शुगर जो रहेगी मेरी वो रहेगी मेरी रैंडम ब्लड शुगर। तो ये आ गई है मेरी रैंडम ब्लड शुगर, 149 है मेरी रैंडम ब्लड शुगर। अभी आप देख सकते हैं कि 1:45 के आसपास हो गया है, यानी ये मेरा लंच है, तो इसको मैं खा लेता हूँ, फिर मैं आपको बताऊँगा कि क्या सच में हमें सोयाबीन के साथ में गेहूँ का आटा यूज़ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। मैंने कंप्लीट लंच लिया है, लहसुन की चटनी है, प्याज है और पत्ता गोभी की सब्ज़ी है। आपको पता है कि अभी पत्ता गोभी भी अच्छी क्वालिटी में आ रही है और हमें खाना चाहिए, और थोड़ी बहुत मटर डाल दिया है मैंने, तो उसको मैं खा लेता हूँ, फिर मैं आपको मिलता हूँ 2 घंटे बाद। तो मैंने अभी अपना लंच कंप्लीट कर दिया है। मैंने दो रोटी ली थी जो थी सोयाबीन की रोटी 50% और 50% गेहूं के आटे की रोटी बनाई थी मैंने दो, और इसका जो ग्राम था, जो वेट था वो था 69 ग्राम, और मैंने एक मीडियम साइज़ का प्याज लिया था, पत्ता गोभी की सब्ज़ी खाई थी जिसमें मटर भी थे, और लहसुन की चटनी खाई थी। अभी जो मेरी शुगर आई थी वो थी मेरी 149 जो थी मेरी रैंडम ब्लड शुगर। अभी जो टाइम हो गया है आप देख सकते हैं 2 बज गई है, तो मैं आपको मिलता हूँ 4 बजे कि मेरी शुगर क्या रहेगी। तो जैसे दोस्तों आप देख सकते हैं मुझे अभी 2 घंटा हो चुका है कंप्लीट लंच किए हुए, जिसमें मैंने दो रोटी ली थी जिसमें 50% गेहूँ का आटा था और 50% सोयाबीन का आटा था, पत्ता गोभी की सब्ज़ी थी, एक मीडियम साइज़ का सलाद था यानी प्याज था, और लहसुन की चटनी थी। चलिए अब चेक करेंगे कि 2 घंटे बाद हमारी शुगर क्या आती है, क्या हमें अभी भी सलाद खाने की ज़रूरत
है या नहीं है, चलिए चेक करेंगे। तो खाने से पहले जो थी मेरी शुगर वो थी 149। तो ये आ गई मेरी 2 घंटे बाद की शुगर 149 से 156, 149 से 156, यानी सिर्फ मेरा 7 पॉइंट बढ़ा है। और वो 7 पॉइंट भी हम लोग कह नहीं सकते कि हमारा 7 पॉइंट बढ़ा है, क्योंकि हम लोगों ने लंच ही इस तरह से किया था। हाँ ठीक है, 69 ग्राम में हमारा 35 ग्राम के आसपास हमारा गेहूं का आटा था, और उसके बाद जो रिमेनिंग जो था वो था सोयाबीन का आटा। लेकिन सामने हम लोगों ने सब्जी भी हरी सब्जी ली थी, क्योंकि आपको पता है कि ठंडी के टाइम पे अब धीरे ठंडी चालू हो रही है, तो पत्ता गोभी की सब्ज़ी भी काफ़ी अच्छी और फ्रेश आती है, जिसको हम लोग ग्रीन सलाद में हम लोग यूज़ करते हैं। फिर लहसुन लिया था, लहसुन हमारे हार्ट के लिए भी अच्छा होता है और हमारे ब्लड के लिए भी अच्छा होता है, और शुगर को बढ़ाने में मदद नहीं करता है। लहसुन ज़रूर खाइएगा, कच्चा खाइए तो और भी अच्छा है, हमारे कोलेस्ट्रॉल को और ट्राइग्लिसराइड को भी कम करता है। और मैंने लिया था प्याज, प्याज में था हमारा फाइबर। तो ये सब ओवरऑल था कि ऐसी कोई चीज़ हम लोगों ने खाई नहीं थी कि हमारे शुगर ज़्यादा पीक हो जाए। तो ये थी आज की मेरी वीडियो, आई होप आपकी वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।